गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जैसे कि कल का जो वीडियो जो था उसमें हम कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी थ्योरी के बारे में चर्चा कर रहे थे। कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी थ्योरी है क्या, जिसको निरंतरता और गैर निरंतरता के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि मानव प्रजाति में भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है, कब हुई है, इसमें कहीं भी कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं मिला है। और यही सबूत ना मिलने के कारण, कोई प्रमाण ना मिलने के कारण भाषा की उत्पत्ति, भाषा की खोज अनसुलझी नजर आ रही है। कहने का तात्पर्य है कि भाषा का विकास कैसे हुआ है, वैज्ञानिक ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इसका आखिर कैसे विकास हुआ है, कैसे जो है इसका डेवलपमेंट हुआ है, ये नहीं कर पा रहे हैं। और फलतः यह स्थिति 20वीं शताब्दी के अंत तक बनी रही है। 1990 के दशक में सर्वप्रथम भाषा के जो जानकार हैं, भाषाविद हैं, पुरातात्विक वेता हैं, साइकोलॉजिस्ट हुए, उन्होंने नई तरीकों से समाधान करने का प्रयास किया, जिसमें से एक मनोवैज्ञानिक ईले लेवर ने इसे दो भागों में विभाजित कर करके बताया कैसे भाषा का विकास हुआ। पहले में उन्होंने कंटिन्यूटी यानी निरंतरता के सिद्धांत कहा है, यानी पहले भाग को उन्होंने कंटिन्यूटी थ्योरी के नाम से जाना है, जो चार्ल्स डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत से प्रभावित है, या कह सकते हैं कि चार्ल्स डार्विन के सिद्धांत से जुड़ा है। और दूसरा जो है वो डिसकंटिन्यूटी थ्योरी के नाम से जाना जाता है, जो यह बताते हैं कि भाषा एकाएक उत्पत्ति नहीं हुई है। जैसे जैसे मनुष्य का विकास हुआ है वैसे वैसे भाषा का विकास हुआ है, यानी मनुष्य की आवश्यकताएं जैसे जैसे बढ़ी है, उसका दायरा बढ़ा है, उसके रहन सहन में जो परिवर्तन आया है, ठीक उसी प्रकार से भाषा का भी डेवलपमेंट उसी प्रकार से हुआ है। पहले भाषा सीमित रूप में प्रयोग की जाती थी, उस समय इतना विकास का कोई पैमाना नहीं था, सारे लोग केवल किसी प्रकार से अपना जीवन यापन कर रहे थे, ना कोई व्यवसाय था, ना तो ये टेलीफोन, ना ये मोबाइल, किसी प्रकार का कोई सुख सुविधाएं नहीं थी। मनुष्य बस दो टैंक के जुगाड़ में लगा रहता था। लेकिन जैसे जैसे परिवर्तन हुआ, उन्होंने भाषा में भी परिवर्तन करना लाजमी समझा, उपयोगी समझा, क्योंकि बिना भाषा के व्यक्ति का विकास संभव नहीं था। भाषा ही एक ऐसी वस्तु थी, एक ऐसा माध्यम था जो कि विकास के उच्चतम शिखर पर ले जा सकता है। और अतः भाषा जो है व्यक्ति को विकास के उच्चतम शिखर पर ले जाने का काम करती है। तो कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी थ्योरी के माध्यम से ईले लेबर्ग ने सबसे पहले इसको समझाया। कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी थ्योरी में दोनों में अलग अलग चीजों को बताया गया है। कंटिन्यूटी थ्योरी में बताया गया कि भाषा एकाएक अस्तित्व में नहीं आई है, भाषा की संरचना बहुत जटिल होती है। निरंतर सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि भाषा का प्रभाव अवश्य हमारे पूर्वज के पहले प्री भाषाई सिस्टम से विकसित हुआ है, यानी जो हमारे पूर्वज हैं पहले जो भाषा का उपयोग करते थे, चाहे वो
वस्तुओं को छुपाने के लिए करते थे, छह वस्तुओं को गिनने के लिए करते थे, कुछ संकेतों का प्रयोग करते थे, कुछ ध्वनियों का प्रयोग करते थे। उन्हीं से हमारी भाषा, आज की भाषा जो हुई है, उसका विकास हुआ है। यानी कहने का मतलब है कि पूर्वजों के पहले त्रिभाषाई सिस्टम था, जिससे आज की भाषा डेवलप हुई है। डिसकंटिन्यूटी थ्योरी के मानने वाले लोगों का कहना है, मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि भाषा जैसी अनूठी विशेषताओं को हम गैर मनुष्य के साथ तुलना नहीं कर सकते। यह सिद्धांत इस बात पर बल देती है कि अवश्य तरह की योग्यता का विकास मानव विकास के क्रम में ही हुआ है। यानी जैसे जैसे मनुष्य का डेवलपमेंट हुआ है, ठीक उसी प्रकार से भाषा का भी डेवलपमेंट हुआ है। ये बातें जो है कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी थ्योरी में बताई गई है, और इस प्रकार से मनुष्य के रहन सहन में जैसे जैसे परिवर्तन होता गया, वैसे वैसे भाषा में भी परिवर्तन होता गया। ये कोई एक दिन में डेवलपमेंट नहीं हुआ है। भाषा कोई एक दिन में कोई बना नहीं सकता है। ये समाज के सारे लोग जिस चीज का प्रयोग करते हैं अपने दिनचर्या में, अपने व्यवसाय में, अपने रोजमर्रा के जीवन में, उसी से हमारी आज की भाषा डेवलप हुई है। आज शैक्षणिक संस्थानों में भाषा जो है प्रमुखता से ज्ञान को प्रसारित करने का कार्य कर रही है। अगर भाषा नहीं होती तो आज ये शैक्षणिक संस्थान जो शिक्षा का केंद्र बिंदु बना है, जहां पर पठन पाठन का कार्य होता है, वह शिक्षा संस्थान गूंगी बहरी होती। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भाषा का डेवलपमेंट जो है दो तरीके से बताया गया। एक कंटिन्यूटी थ्योरी के माध्यम से, एक डिसकंटिन्यूटी थ्योरी के माध्यम से। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर अगले दिन चर्चा करेंगे। थैंक यू।